बहुत प्रॉब्लम होती है समझ नहीं आता है कि रिज्यूमे में क्या डाले कैसे रिज्यूमे में बनाए अपना तो बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि मैम रिज्यूमे बनाने के लिए बारे में बता दीजिए कैसे रिज्यूमे हमें बनाना है समझ नहीं आता है एज अ फ्रेशर एज एक्सपीरियंस रिज्यूमे कैसे बनाना है तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि हम रिज्यूमे कैसे बना सकते हैं अगर पॉसिबल है आप अपने साथ एक फोन में ये वीडियो प्ले कर सकते हैं और अपने किसी और डिवाइस में अपना रिज्यूमे भी एज अ ब्लू प्रिपेयर कर सकते हैं बात करेंगे रिज्यूमे की लेंथ कितनी होनी चाहिए पन्ने आपको नहीं भरने होते हैं क्योंकि एक रिज्यूमे ऐसा डॉक्यूमेंट है आपकी अन अवेलेबिलिटी में इंसान उसे देख ही आपको कॉल करेगा वो सिलेक्ट होगा तभी आपका नंबर आएगा उससे बात करने का या फिर आगे अपने आप को एक्सप्लेन करने का तो जो रिज्यूमे की लेंथ होती है वो वन पेज ही होनी चाहिए क्योंकि वन पेज मोर देन सफिशियंट एक ऐसा डेटा हो सकता है रिज्यूमे का कि जिसमें आप वन पेज की लेंथ में आप रिज्यूमे बना सकते हैं और उसमें आपको सिर्फ डालना है रेलिवेंट स्किल्स और एक्सपीरियंस स्किल्स की अगर बात करें बहुत बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि यार तेरा रिज्यूमे दिखाना अगर अच्छा तेरे रिज्यूम भाई ये स्किल्स तो मेरे अंदर भी है मैं भी लिख देता हूँ जब तक आपने उसके रिज्यूमे में देखा नहीं था ना

तो फिर इनरेलीवेंट चीजें नहीं डालनी है सिर्फ रेलिवेंट स्किल्स और रेलिवेंट एक्सपीरियंस ही आपको अपने रेज्यूमे में डालना है अब लेंथ के बाद हम बात करें कुछ इम्पोर्टेंट चीजें और कुछ नॉन इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि आपका नेम ई मेल आई डी लिंकड इन ऑन फोन नंबर तो ये चार चीज़ें हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है अगर एज अ फ्रेशर आप कहोगे कि मैम लिंकड इन आई डी नहीं है अगर नहीं है तो लिंकड का अकाउंट बनाओ लिंकिन आई अपनी बनाओ क्योंकि बींग एज ए प्रोफेशनल आज के टाइम में लिंकड बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपके एक्सपीरियंस आपने कहाँ कहाँ काम किया है आगे जाकर कहाँ काम करोगे आप वो भी तो लिंकड इन पे डालोगे पहले फेसबुक के प्रोफाइल पे डालते थे लोग बट अब जो प्रोफेशनली यूज होगा वो होगा लिंकड और जो इन्फॉर्मेशन आपको अवॉइड करनी है जिसमें आपको कुछ करना ही नहीं है नहीं डालनी है रिज्यूमे में वो जो की है एड्रेस इंटरव्यूअर जब आपसे पूछेगा ना आपकी लोकेशन तभी आप बताओगे आपका होम टाउन भी पूछा जाएगा आप रिमोटली कंफर्टेबल हो या कहा अपने घर से दूर जॉब कर सकते हो तो वो आपके इसमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेगा फोटोग्राफ बहुत सारे लोग फोटोग्राफ लगा देते हैं अपनी फोटो लगा देते हैं भाई तुम अगर उससे मिलोगे तो भी तो वो तुम्हें देख लेगा और आज के टाइम में आपके स्किल्स आपका एक्सपीरियंस आप कैसे बात करते हो कैसे काम करोगे वो मैटर होगा तो फिर इंटरव्यू से पहले आप अपनी फोटो लगाओगे तो उसकी कोई ज्यादा ज़रूरत है ही नहीं अब हम बात करें कि हमें मिस्टेक्स क्या क्या अवॉइड करनी चाहिए तो फिर जो मिस्टेक्स है प्रोफेशनल समरी एंड करियर ऑब्जेक्टिव इसका मतलब है कि यार आपको ना बहुत सारी चीजें नहीं लिखनी है मैं ये कर दूंगा मैं वैसे कर दूंगा भाई मेरे मुझे इतनी अच्छी नॉलेज है मैं इतना अच्छा एक्सपर्ट हूँ मैं तो अभी से यूं 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 चुटकियों में अपनी ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर बढ़ा दूंगा ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है बहुत सिंपल सी आपको समरी लिखनी है जिसमें पता चले कि आप कितने ज्यादा करियर ऑब्जेक्टिव हैं उसके बाद जस्ट ग्लान्स इन जनरेट क्यूरिसिटी का मतलब होता है कि आप कुछ जस्ट ग्लान्स थोड़ा सा हिंट दो बताओ कि अपने बारे में आपने क्या किया आपका नेचर कैसा है या आप कैसे डेडिकेटेड रहेंगे अपने करियर के टूवर्ड्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन के टूवर्ड्स वो जस्ट आपको छोटा सा ग्लैंस डालना है एज एन हल्का सा हिंट देना है तो रिक्रूटर को एक क्यूरियसिटी होगी यार जानना है भाई जानना है इसने अब इतना लिखा है तो अब आगे तो मुझे पता चलना चाहिए कि इंसान में है क्या अब हम बात करेंगे वर्क एक्सपीरियंस की अब आप बोलोगे कि मैम हम तो फ्रेशर हैं हम कैसे वर्क एक्सपीरियंस डाल दें हमारे पास तो वर्क एक्सपीरियंस ही नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रेशर हो यार देखो शुरुआत तो कभी ना कभी करनी होगी एक टाइम पे फ्रेशर हर कोई होता है पैदा होते ही हर कोई एक्सपीरियंस नहीं हो जाता है तो फिर जो आपका वर्क एक्सपीरियंस होता है ना उसमें आपको पी ए आर प्रॉब्लम एक्शन रिजल्ट ये आपको एक फॉर्मेट लेकर चलना होता है जिसमें आप अपने पास एक्सपीरियंस में कुछ आपके प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम्स आई हो आपने उसका क्या एक्शन लिया हो और उस एक्शन से क्या रिजल्ट आया हो तो ये तीनों चीजें मैटर करती है अगर आपने इंटर्नशिप भी करी होगी अगर इंटर्नशिप आपने नहीं भी करी है तो ये पॉइंट आप ना भी ऐड करेंगे तो भी हो सकता है अब हम बात करेंगे कुछ मेजर पॉइंटर्स की, जो कि है मान लीजिए आप फॉर एग्जाम्पल किसी भी प्रोजेक्ट में थे आपने उस प्रोजेक्ट में जो टारगेट था वो आपने पूरा किया ठीक है तो टारगेट के बाद थोड़े दिन बाद आपका अप्रेजल आया अप्रेजल में आपको रिजल्ट के तौर पर मिला फिफ्टीन परसेंट हाइक आपने किया क्या था आपने किया क्या था आपने बहुत ही डेडिकेशन के साथ काम किया था अपने सारे एफर्ट्स डाले थे तो रिजल्ट और आपने क्या किया था आपके क्या करने से accomplish हुआ accomplish करने से तो क्या रिजल्ट आया तो ये थे कुछ की पॉइंटर्स जो कि हमें अपने रिज्यूमे में लिखने हैं तो अब हम बात करें सर्टिफिकेशन की तो बहुत बार ऐसे होता है कि हम ना ऐसे कर देते एक सर्टिफिकेट दो सर्टिफिकेट तीन सर्टिफिकेट चार सर्टिफिकेट certificate, पांच सर्टिफिकेट्स यार नहीं देखेगा रिक्रूटर इतना बड़ा लिख दोगे तो वो ये कहेगा कि यार मैं क्या देखूं इतनी सारी चीजें तो ये एक आपका प्रेजेंट करने का तरीका भी शो करता है सर्टिफिकेशन है फॉर एग्जांपल मार्केटिंग में आपने सर्टिफिकेट करा है पहला दूसरा हाँ ये मैंने यहाँ कराया मैंने एक्स वाई जी से करा है यहाँ मैंने ए बी सी से करा है इतने साल का मेरा एक्सपीरियंस था तो आप पॉइंटर्स को एक हेडिंग के अंदर सब हेडिंग डाल सकते हो एक मेन पॉइंट्स देन उसके अंदर सब पॉइंट्स डाल सकते हो उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दो, बहुत ज्यादा इजी और सिंपल रहेगा ठीक है जब आप चीजें ज्यादा लिखते हो ना तो इंसान को ढूंढना पड़ता है कि मैं क्या देखू क्या पढ़ू तो इसी के लिए मैं एक छोटी सी आपको बात बताना चाहूंगी हो सकता है कि आप इस बात से रिलेट कर पाए पन्ने भरने वाला कितना भी लिख दे कि पन्ने भरने वाला कितना भी लिख दे मगर नजर जाएगी तो वही जहां अंदाज करने के लिए कुछ ना हो चूंकि एग्जैक्ट सी चीज है यार अगर आप बहुत सारी चीजें लिख दोगे तो इंसान को देखना पड़ेगा ढूंढना पड़ेगा अगर आप वहां लिखोगे ही दो वर्ड्स तीन वर्ड्स चार वर्ड्स तो वो ऑटोमेटिकली उन्हीं पर ही ध्यान देगा तो अब हमारी स्किल्स भी हो गई हमने एक्सपीरियंस के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कभी भी फॉन्ट हम साइज ये सारी चीजें वीडियो की स्टार्टिंग में भी आपने शुरू करा होगा अपना रिज्यूमे बनाना तो आप भी इसी पॉइंट पर अब तक पहुंच चुके होंगे मेरे साथ तो जो हमारा फॉन्ट है font style, Roman, Calibri, इन तीनों में से कोई भी फॉन्ट स्टाइल एज अ प्रोफेशनल रिज्यूमिंग आप यूज कर सकते हैं अब हम फॉन्ट साइज की बात करें जो हमारा नेम दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑन योर रिज्यूमे तो वो चौदह से सोलह के बीच में होना चाहिए जो हमारी कंटैक्ट इन्फो है वो भी हमारे सेम ही कैटेगरी में आनी चाहिए और सेम ही हमारा फॉन्ट साइज होना चाहिए उसके बाद जो हमारी एजुकेशन है जो हमारी क्वालिफिकेशन है वो हमारी आती है ट्वेल्व पॉइंट्स में उसके बाद जो हमारा वर्क एक्सपीरियंस है वर्क एक्सपीरियंस भी हमारा ट्वेल्व पॉइंट्स में आता है फिर उसके बाद जो भी हमारा फॉन्ट साइज रहेगा वो ट्वेल्व में ही रहेगा चाहे वो सर्टिफिकेशन कोर्सेज हो चाहे वो रेफरेंसेज आज हमने जैसे रिज्यूमे की बात की है आप लोगों में से बहुत सारे लोग फ्रेशर्स होंगे जिन्हें रिज्यूमे बनाना होगा जिन्हें इसमें हेल्प चाहिए होगी तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर